कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। आज आवश्यकता है, आज फिर से आवश्यकता है आंदोलन को धार देने की। अगर आज नहीं लड़ते हैं, मैंने बार बार कहा है, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर बिकॉज आई एम ए स्कॉलर ऑफ पीएचडी। मैंने बार बार कहा है कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं एक फिलोसोफर हूँ। मैं आपको आपके भविष्य का दर्शन कराने आया हूँ कि नहीं लड़ते हैं तो क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान, एक वेबसाइट देख रहे थे, उस वेबसाइट में लिखा है नौकरी के बारे में 12,500 के आसपास पेमेंट है। वो नौकरी मिलेगी जमशेदपुर में, नौकरी देने का काम जो कंपनी करेगी वो जमशेदपुर झारखंड में है। जो आके नौकरी करेगा जमशेदपुर झारखंड में करेगा, लेकिन नौकरी कौन करेगा पता है? वहां लिखा है एक लाइन में, ओनली बिहारी कैंडिडेट आर अलाउड। इतना न्याय दुनिया में नहीं होता जितना न्याय झारखंड में हो रहा है। सबके घर के बच्चे पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ाते हैं उन्हें? नौकरी में, सही बात है, इसीलिए पढ़ाते हैं ना कि बेटा रहे चाहे बेटी रहे, थोड़ा सा समझिएगा कि ये लोग हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे राज्य के जो प्रथम नागरिक होते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय, उन्होंने लेटर में जारी किया है कि निजी कंपनी यानी सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में भी छोटा मोटा कंपनी आएगा वहां 75% झारखंडी को नौकरी मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये राज्य के प्रथम नागरिक अपने लेटर पे लिख के कह रहे हैं। तो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं, समझिए, यदि ये नौकरी देंगे तो पैसा हम कमाएंगे, यदि हम पैसा कमाएंगे तो हमारी जरूरत पूरी होगी। अगर मोबाइल लेने की इच्छा होगी मोबाइल लेंगे, गाड़ी लेने की इच्छा होगी गाड़ी लेंगे, पढ़ने की इच्छा होगी पढ़ेंगे, व्यापार करने की इच्छा होगी व्यापार करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है, पैसा नौकरी से आएगा। तो नौकरी इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि आपके पास पैसा है। तो भाई दुनिया में कोई ऐसा है क्या जो बिना पैसा के आज के डेट में रहेगा? नहीं। तो हमको, मेरे पास तो पैसा नहीं है क्योंकि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें तो सामान तो मार्केट से लेना होगा ना, तब क्या करेंगे? मुर्गी चेंगना चगरी बकरी बेचेंगे, ये सब हमारे घरों में पाया जाता है, वे खाना खाएंगे। तो भैया माटी बेचना, एक मुर्गी सच, तब हमें अपनी जमीनों को बेचना होगा। और ये लोग तो यही चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि तुम अपनी जमीनें बेचो, इसीलिए हमें ये नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पहचान है, तो मेरी पहचान क्यों नहीं होगी? बंगाल में बंगाली है, उड़िया उड़ीसा के लिए, बिहार बिहारी के लिए, तो झारखंड झारखंडी के लिए हो, और झारखंडी कौन होना चाहिए इसकी तो पहचान होनी चाहिए। झारखंडी की पहचान वोटर आईडी क्या? वोटर आईडी तो है क्या, दिखाएंगे क्या? थोड़ा दिखा देते हैं, झारखंड के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। ये देखिए वो बाहर का आदमी, मीडिया वाले भी छोड़ देखिए, एक बहरिया है, कहां का ये मत पूछिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे बहरिया हैं, एक जगह नहीं, इस सात सात जगह वोटर आईडी बनाते हैं। आपको हमको पूछेगा क्या? हाँ, हम लोग भोले भाले लोग हैं झारखंड के, जंगलों में रहने वाले ये इंसान एक जगह नहीं सात सात जगह वोटिंग करता है, तो वोटर आईडी पहचान हो सकती है क्या? नहीं ना, एक जगह नहीं सात सात जगह ये वोटिंग करता है। क्या आधार कार्ड? आधार कार्ड पहचान नहीं, केवल और केवल हथियार, वही झारखंड की पहचान, केवल और केवल हथियार, वही झारखंड की पहचान, इसके अलावा दूसरा कुछ मान्य नहीं होगा। क्या हमारे मान गलत है क्या? क्यों नहीं मांगे? माटी मेरी, जमीन मेरा, नियम मेरे, कायदे कानून मेरे, और बाहर के लोग अगर यहाँ नौकरी करेंगे वहां के लोग यहाँ बाबू बनेंगे, हम तो मांगेंगे ही अपनी व्यवस्था, हम मांगेंगे ही अपनी व्यवस्था। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है क्योंकि मेरा क्षेत्र पांचवी अनुसूची में आता है, क्षेत्र पांचवी अनुसूची में आता है, अर्थात
पांचवी अनुसूची या नहीं। सबसे पहले अगर किसी का विकास होगा, अगर किसी को संरक्षण मिलेगा तो वहां के आदिवासियों को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम लोग सभी वोट के बंगाल चले जाएंगे क्या हम लोग बंगाली कह जाएंगे? हम उड़ीसा जाएंगे क्या हमें उड़ीसा का माना जाएगा? हम बिहार जाएंगे क्या हमें बिहारी माना जाएगा? तो झारखंड सबका क्यों है भाई? झारखंड के लिए कानून क्यों नहीं? झारखंड सबका ठिकाना लेकर रखा है क्या? कोई कभी आए किधर से भी आए एक बीता जमीन चुरा के भी ले ले, झारखंड ही कहा इतना अन्याय कहे भाई? झारखंडियों के साथ इतना अन्याय क्यों? हमने कौन सा गुनाह किया है? हमने अलग राज्य किस लिए लिया है? क्या हमने एक में राज्य मिला है? 88 साल हमने संघर्ष किया है। 1912 में पहली बार झारखंड आंदोलन की गूंज हुई थी, हमें 2000 मिली। 88 साल 88,000 लोगों का रक्त रहा है तब हमें झारखंड राज्य मिला है। हम सबको झारखंड क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे सबको झारखंडी? झारखंडी जब हर व्यक्ति बंगाल में रहने वाला बंगाली नहीं, बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति बिहारी नहीं, तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे हो सकता है? और क्यों होगा? क्यों होगा? आज इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यह आवाज कोलांचल से उठा था, यह आवाज कोलांचल से उठा था, लेकिन बिना कोल्हान के सहयोग से झारखंड कभी नहीं फैल सकता। कोल्हान की माटी ये माटी है फोटो होगी, ये माटी बड़ाई होगी, ये माटी नारा होगी। उनका आंदोलन क्या था कि भैया हम लोग अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे। क्यों देंगे लगान? क्यों देंगे? अंग्रेजों के बाप की जमीन है कि हम लगान देंगे? लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है, मेरे पुरखों ने यहाँ के आदिवासी हो समुदाय खासकर उन्होंने इसे फुटकट्टी के तौर पर इन जमीनों को बनाने का काम किया है। ये माटी किसी ने उपहार में नहीं दिया है। क्या माताएं बहने, ये जमीन आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है क्या? सीना बहाने के बाद ये माटी मिला है, इस माटी को ऐसे कैसे देंगे? और क्यों देंगे? क्यों देंगे? ये माटी मेरी माँ है, ये माटी मेरी जन्मभूमि है, ये माटी मेरी जननी है, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी।